नोकिया पी बीटा टेस्टिंग शुरू हो गई है। नोकिया ने चीन में 4 स्मार्टफोन में एंड्रॉइड पी बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है। मई में मास्को में हुए एचएमडी ग्लोबल के इवेंट में एचएमडी ग्लोबल नोकिया का कहना था कि जल्द ही उसके सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉइड पी बीटा अपडेट मिलेगा। कंपनी ने वैसे टेस्टिंग शुरू कर दी है। इन स्मार्टफोन के लिए स्टार्ट हुई है एंड्रॉइड पी बीटा टेस्टिंग। नोकिया ने नोकिया 6.1, नोकिया 7, नोकिया 7 प्लस और नोकिया 8 शीर्षकों को स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड पी बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है। हालांकि अभी नोकिया इन सभी स्मार्टफोन में यह अपडेट कब जारी करेगा इसका कोई उसने अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन नोकिया 7 व नोकिया 7 प्लस के फीचर्स आपको बता देते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। नोकिया 7 में 5.2 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर दिया गया है। नोकिया 7 को 4GB और 6GB रैम वेरिएंट में पेश किया गया है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए इसके मेमोरी को और भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें 64GB इंटरनल मेमोरी दी गई है। नोकिया 7 में 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। नोकिया 7 प्लस की बात करें तो स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 630 SoC नोकिया 7 प्लस को डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है और एक 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है जो कि 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। पावर के लिए फोन में एक 3800mAh की बैटरी भी दी गई है। वैसे जब ये टेस्टिंग शुरू हो गई है तो अभी देखना होगा कि इन दोनों ही फोन में कितने ज्यादा चेंजेस होते हैं और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। जल्द ही अपडेट जारी होने वाला है नोकिया के इन फोन्स में जिसका हर किसी को इंतजार है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।